वेलकम बैक टू वाई एस सी अकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं आपको सेकेंड ईयर का इंग्लिश ए का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बी ए प्रोग्राम सेकेंड ईयर एनुअल मोड इंग्लिश ए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के नहीं हैं या अलग सब्जेक्ट्स के हैं तो वो थोड़ा पेशेंस रखें। उनके लिए भी असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ, काफ़ी सारे दे चुका हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और पूरी तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँगा, जितनी मुझसे हो सकेगी मैं करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं सेकेंड ईयर का जो ये इंग्लिश का सॉल्यूशन है इसके ऊपर बात करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दो ही क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिमिट दी हुई है 500 वर्ड्स की, तो 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और उसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें आपको लिमिट दी हुई है 400 वर्ड्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आप पेजेस का पंगा मत डालना कि भाई पेजेस कितने भरने हैं, 6 पेज या 8 पेज भरने हैं। देखो, पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्लियरली आपको वर्ड्स लिमिट दी हुई है तो आपको क्या करना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, फिर चाहे कितने भी पेज भरें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वो दूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला सेक्शन, जिसमें आपसे पूछा गया है राइट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ रूप सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दूंगा। और सेकेंडली मैं जो आंसर दूंगा वो सेकेंड क्वेश्चन का बी वाला सेक्शन, जिसमें ऐसे लिखना है कि जो ओपन स्टूडेंट्स होते हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आता हूँ डायरेक्टली इसके आंसर पर। तो दोस्तों फर्स्ट का बी वाला सेक्शन का आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय द स्टोरी लीडर ऑफ द मैन सिद्धार्थ चौधरी। तो ये जो स्टोरी में आपको कैरेक्टर स्केच करना है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिखें। तो इसमें रूप सिंह के बारे में बताया गया है, और भी कैरेक्टर्स हैं, ऋत्विक है जो कि नरेटर है इसका, केडिया है, ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको दिख रहा है आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर लें। तो यहाँ पर ये आंसर थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैंने इसको लॉन्ग करने के लिए इसमें एक पैराग्राफ और ऐड किया है। तो इसके बाद ये लिखा है ना, ये जो ख़त्म हुआ है यहाँ पे एंड रिस्पेक्ट, तो उसके बाद अब यहाँ से ये पैराग्राफ और जोड़ दें इसमें रूप सेट सैड एंड पेन, और इसके बाद ये पूरी स्टोरी आपको थोड़ी सी और इसमें बतानी है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे द टोन ऑफ द नरेटर सीरियस ही, ठीक है, यहाँ से ये बताना है कि जो नरेटर है वो रूप सिंह के बारे में क्या सोचता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस पैराग्राफ के अंदर कुछ नरेटर्स जो उसके बारे में सोच रहा है वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर अपने तरीके से लिखें। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो उसको अपने वर्ड्स में ही लिखना है, तो आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही कॉपी मत मार लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका जो फर्स्ट का बी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये अराउंड 500 वर्ड्स के आसपास होगा। फिर उसके बाद करते हैं जो हमारा सेकंड का बी वाला सेक्शन है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड का बी वाला सेक्शन। जिसमें रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं और ओपन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है स्टडी को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर, तो कंपैरिजन क्लियरली यहाँ पे है। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया और इसके नीचे ये और लास्ट पैराग्राफ दोस्तों ये है जो आपके सामने है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया, फिर सेकंड का बी वाला पार्ट दिया, तो दोनों के सॉल्यूशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर अपने तरीके से अपने ओन वर्ड्स में आपको आंसर्स देना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे।
तो दोस्तों इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी और ये वीडियो मुझे आज देना भी था आप लोगों को, तो आई होप इससे बहुत हेल्प होगी। अपने दोस्तों को शेयर करो और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर लाइक करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप लोगों के लिए और हेल्प की जाए। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले दूसरे वीडियोज़ में। विश यू ऑल द बेस्ट।